Hey guys, welcome back to my new video. तो आज हम जाने वाले हैं जबलपुर. 4 to 5 hours का ट्रेन जर्नी होगा. उसके लिए मैं बहुत सारे स्नैक्स पैक कर रही हूँ. तो हम जबलपुर टूरिज्म से जा रहे हैं. एक हमारा फाइनल ईयर का थीसिस का साइट ऑर्डर है, तो उसके लिए साइट विजिट करेंगे. और दूसरा, भोपाल में आने के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा पार्ट कभी घूमे ही नहीं हम, तो सोचा साइट विजिट के साथ थोड़ा घूम के भी आ जाए. तो हम सुबह सुबह अपने प्राइवेट जेट को बुलाया और देखो मुझे धूप धूल और हवा से बचने के लिए शील्ड बना रही हूँ. देखो अभी भी कितना अंधेरा है. और हम अपने प्राइवेट जेट से रानी कमलापति पहुँच गए और वहाँ से अपना फ्लाइट टिकट लेके फ्लाइट का नंबर ढूंढने के लिए चले गए. हमारा फ्लाइट काफ़ी दूर खड़ा था और चलते चलते हम पहुँच गए अपने फ्लाइट के पास. ज़मीन पे चलने वाली फ्लाइट. आई नो माई जोक्स आर गुड, पर तुम्हें नहीं हंसी आ रही होगी. आर यू ओके ब्रो? इफ नॉट देन ये व्यू देख लो, ठीक हो जाएगा. तो फाइनली हम पहुंच गए जबलपुर और वहां से हमने दूसरा प्राइवेट जेट बुलाया, वो भी ब्लू कलर का. जबलपुर को लेके फर्स्ट इम्प्रेशन, ग्रीनरी, काफ़ी हरियाली है. और रेलवे स्टेशन से साइट पहुंचने का रास्ता काफ़ी पीसफुल लगा. हाईवे के इस साइड इधर से टूटा हुआ रोड और वो वहाँ जो देख रहे हो हरियाली, यहाँ हमारा साइट है और उसके पीछे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. और देखो मुझे क्या मिला, असली वाला मोर पंख. धूप में चलते चलते बहुत दिमाग ख़राब हो गया, तो हम चलते चलते निकल गए भोजनालय की खोज में थोड़ा सा खाना खाने. और खाना खाने के बाद हम फिर से रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से बेराघर का बस पकड़ा 35 rupees पर पर्सन में. वहाँ पे बस स्टैंड के वॉकिंग डिस्टेंस पे कितने सुंदर सुंदर मंदिर थे. बोटिंग वाला स्पॉट 10 मिनट दूर था वॉक करके. ऑन द वे बहुत सारे दुकानें थे जहाँ पे सब कुछ मार्बल स्टोन का मिल रहा था. उस रास्ते में जो जो दिखा मैं आपको आगे दिखाती हूँ. उसके बाद हम बोटिंग वाला स्पॉट में पहुँचे. मुझे बेराघर इसलिए एक बार आना था क्योंकि आज तक यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ शूट हुए हैं, स्पेशली क्रोकोडाइल से लड़ने वाले मूवीज़. और यहाँ भी बोटिंग के जगह में जाने के लिए जो स्टेप्स थी ना, वहाँ पे साइड साइड में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें थे जहाँ इतने सारे मार्बल वाले सामान थे. मार्बल स्टोन्स के इयररिंग्स भी थे इनके पास और ज्वेलरीज, होम डेकोर, सब कुछ. पर मेरे पैसे प्राइवेट जेट में चढ़ के ख़त्म हो चुके थे. सब कुछ इतना प्रीति था ना कि बहुत कंफ्यूजन भी हो रही थी. फिर सारे शॉप्स में घूमने के बाद हम निकले बोटिंग के लिए. 100 rupees पर बोट में चढ़ के ये देखो हैप्पी मी प्लस थका हुआ मी. चलो अभी मैं ज़्यादा बोल के अब आपको इरिटेट नहीं करूँगी. आगे का वीडियो शांति से देख लीजिए. Bye.
मार्बल आ गया बिलेगन भाई, मार्बल बिलेगन भाई पहाड़ों में लगी है लाई, जलती है संडे संडे लगी लाई। अच्छा संडे संडे ये अलग होगा, हमें आज रात को जले लाइट गड्ढे का हिंदी पिक्चर, यहाँ वो रेत पड़ी है। फिल्म का नाम काड़े जाए पर बचन ना जाए, नहीं आए थे सुनील दत्त प्रेम नाथ साथ में आई थी रेखा, सुनील दत्त ने ना प्रेम नाथ को उठा उठा कर फेंका। गुलाबी कलर ये पिंक मार्बल घास के पास हल्का पिंक नजर आएगा। साड़ी ना बॉम्बे की थी इसलिए कलर निकल गया, जबलपुर की होती फटना थी कलर नहीं जाता। अपना वोट किसा जाएगा नपिया राइट बताने वाले को बंपर प्राइज, हाँ ले लो बंपर प्राइज, जो सही बतलाएगा साइड में उतारा जाएगा। सेकंड मूवी दस आए चल जला कलाकार धर्मेंद्र नहीं सत्रु इतना यही से जंप लगाते होती होती उसी होटल को बुकिंग कराते हैं, दोबारा आते हैं धर्मशाला धोते शूटिंग लिया सोगा मूवी पर साधु की गोपा। हाँ वो तो आगे है ना, बहुत आगे है वो तो।